नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अमित और मेरा चैनल पे आपका बहुत बहुत बेहतरीन स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद पास में जो है बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों, आपको रोज़ ऐसा नया वीडियो मिलता जाएगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैसे हमारा इंटरनेट सेव कर सकते हैं हम। तो दोस्तों देखिए, आज का ज़माना है जियो सिम का, तो हर किसी के पास भी एक जियो सिम होता है और जियो हमको पर डे 1 GB करके इंटरनेट देता है। लेकिन पर डे आप 1 GB कुछ नहीं है, 1 GB से हमारा कोई काम नहीं होता है। तो देखिए, कुछ कुछ थोड़ा हमको नोटिस करना पड़ेगा जिससे हमारा नेट सेव हो सकता है। तो देखिए, पहले हम स्टेप पे प्ले स्टोर पर जाएंगे। प्ले स्टोर पे जो ऑटो वाला अपडेट है उसको ऑफ करेंगे। सेटिंग पे जाकर डू नॉट ऑटो अपडेट ऐप्स, मैंने सब अपडेट ऑफ कर दिया है, इससे मेरा थोड़ा डाटा सेव होगा। तो आप चाहे तो ऑटो अपडेट एप्स ओवर वाईफाई फॉर ओनली वाईफाई पे कर लीजिए। तो आप किसी का वाईफाई से कनेक्ट करिए तो ऑटो अपडेट हो जाएगा, तो इससे आपका मोबाइल का डाटा थोड़ा कम हो जाता है। तो दोस्तों, सेकंड स्टेप देखिए, व्हाट्सएप पे जाएंगे। व्हाट्सएप पे सेटिंग पे जाकर डाटा यूज़, यहाँ पर देखिए मैंने नो मीडिया कर रखा है। तो मैं होने मोबाइल डाटा, फोटो, ऑडियो, वीडियो कुछ भी डाउनलोड होगा मेरा मोबाइल डाटा से, मैं सिर्फ वाईफाई कनेक्शन से ऑल कर रखा हूँ। देखिए, और उसके बाद दोस्तों देखिए, हम प्ले स्टोर पे जाकर सॉरी दोस्तों, सब लोग देखिए फेसबुक वाला ऐप्स इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, फेसबुक हमारा डेटा सेव करना चाहते तो हमको फेसबुक लाइट को यूज़ करना पड़ेगा। तो इसलिए आप गूगल पे जाकर फेसबुक लाइट पे क्लिक करेंगे तो आपको फेसबुक लाइट मिल जाएगा। दोस्तों, ये वाला ऐप्स बहुत अच्छा है फेसबुक के लिए और इससे बहुत डाटा सेव होता है, क्योंकि फेसबुक का जो असली ऐप्स ये ऐप्स है, इससे बहुत डाटा आपको खर्च होता है, इसलिए इसको इस्तेमाल करना ये आपके लिए बेटर होगा। तो दोस्तों, मेरा वीडियो कैसे लगे तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइएगा, और अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना।